नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भारत में नदियों का प्रदूषण जो निरंतर दिन रात बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत सरकार के अथक प्रयासों से कई नदियों का पानी साफ करने में सहायता मिली है, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े महानगरों के नज़दीक लगती नदियां तब से प्रदूषित रहित नहीं होगी जब तक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को नहीं रोका जाएगा। हिंदुस्तान में 70% से ज़्यादा लोग प्रदूषित पानी पीते हैं। अगर नदियों और झीलों के हिसाब से देखा जाए तो भारत प्राकृतिक स्रोतों और नदियों के मुकाबले में एक समृद्ध देश है। इस देश को सही तौर पर नदियों की भूमि भी कहा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नदियों की भूमि के रूप में भारत को उल्लेखित किया गया है। भारत के लोग नदियों की पूजा करते हैं और देवताओं के रूप में पूजते हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण है, क्या विडंबना है कि नदियों के प्रति हमारा इतना गहन सम्मान और श्रद्धा के बावजूद हम उसकी पवित्रता और स्वच्छता को तथा भौतिक कल्याण बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे। हमारी मातृभूमि पर बहने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कावेरी या कोई अन्य नदी हो, इस समय कोई भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। नदियों के प्रदूषण के कारण पर्यावरण में मनुष्य, पशुओं, मछलियों और पक्षियों को प्रभावित करने वाली गंभीर जनजनित बीमारियों यानी जल से होने वाली बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हर रोज उत्पन्न हो रही हैं। कई नदियों में चलने वाली विभिन्न प्रकार की सरकारी परियोजनाओं के बावजूद जल प्रदूषण को प्रबंधित करने में और उनका रुकने का कोई भी संभव परिणाम नहीं मिला। आखिर हम किसे दोषी ठहराएं? जल प्रदूषण के बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो नदी के पानी की समग्र गुणवत्ता को कम करते रहते हैं। आज हम इन्हीं कारकों के बारे में बात करेंगे। औद्योगिक अपशिष्टों, रासायनों के मिश्रणों तथा भारी धातुओं को पानी में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इसे साफ करना नामुमकिन होता है क्योंकि कुछ ऐसे रसायन और पदार्थ हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। रसायन, उर्वरक और कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक भी नदी को जल प्रदूषित करते हैं। अगर इस समय की बात करें तो कई दशकों से प्राकृतिक बारिश भी प्रदूषण साथ लेकर आती है, क्योंकि यह प्रदूषित हवा के कारण हुआ, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो मिट्टी में पहुंचती है और हानिकारक पदार्थों को उत्पन्न करती है। इसमें कई प्रकार की खतरनाक रासायनिक गैसें भी होती हैं। नदियों में ज़्यादातर प्रवाहित किए जाने वाले घरों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट यानी गंदे कचरे तथा गंदे नाले नदियों से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक थैले, वस्तुएं, ठोस अपशिष्ट और फूल मालाओं या नदियों में नियमित बहाने के कारण इनका प्रदूषण काफ़ी होता है। बड़े बड़े जलाशयों के पास खुले स्थानों पर कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने के कारण लोग नदियों में प्रदूषण का योगदान करते हैं। बड़े बड़े जलाशयों में पशुओं को नहलाना, वाहनों, कपड़ों आदि को धोना प्रदूषण को आमंत्रित करता है। देश के संस्थानों ने कई बार इस पर पर्यावरण पर, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार की है और इस संदर्भ में नदी के प्रदूषण के कुछ कठोर स्पष्टीकरण भी दिए हैं, जिन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय भी बना दिया। आपको बता दें कि देश में 445 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि इनमें से 1/4 नदियों का स्नान के योग्य नहीं है। भारतीय शहर हर दिन 10 अरब गैलन यानी या 38 मिलियन लीटर नगर पालिका वाले अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं, जो इतना ज़्यादा प्रदूषित होता है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर मोटा मोटी बात करें तो इनमें से केवल 29% का ही उपचार किया जा सकता है। यानी अगर हम इस पानी को ट्रीटमेंट करने लग जाएं, इसकी सफाई करने लग जाएं, तो सिर्फ 100 में से 29% का ही हम उपचार कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से पानी को साफ किया जा सकता है। अगर बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो उन्होंने कहा है कि 2011 में किए गए सर्वेक्षण में लगभग 8000 शहरों में 160 सीवरेज प्रणाली और सीवरेज उपचार संयंत्र हैं, क्योंकि ये 2011 के आंकड़े हैं। भारतीय शहरों में दैनिक रूप से तैयार होने वाला लगभग 40,000 मिलियन लीटर सीवरेज में केवल 20% उपचारित होता है। यानी जो जल सीवरेज का होता है वो 40,000 मिलियन लीटर होता है,
और उसमें से केवल 20% ही ट्रीटमेंट प्लांटों के अंदर इसको उस पानी को उपचारित किया जा सकता है। हालांकि गंगा नदी को भारत में सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। गंगा नदी में नियमित रूप से लगभग 1 बिलियन लीटर कच्चे अनुपचारित सीवरेज को प्रवाहित किया जाता है, यानी सीवरेज का पानी उसमें बहाया जाता है। गंगा नदी में प्रति 100 मिलीलीटर जल में 60,000 फ्रेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। नदियों में होने वाले प्रदूषण तथा पर्यावरण के कारण और अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। पानी में रहने वाले बहुत प्रकार की प्रजातियों के जीव जंतुओं के लिए एक बड़ा खतरा है, और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के स्वास्थ्य में यह बड़ी समस्याएं पैदा करता है और अनेक प्रकार के विकार भी उत्पन्न करता है, क्योंकि पानी में पैदा होने वाली मछलियों को मनुष्य उपभोग करता है, जिसे बड़े पैमाने पर भोजन के रूप में लिया जाता है। लोग बीमार होकर के मृत्यु के ग्रास में जा रहे हैं। नदियों के प्रदूषित जल से जानवरों और पक्षियों में खासकर कई तरह के प्रभाव देखे गए हैं। इससे बहुत सारी ऐसी जीव प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी पूरी तरह से उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। नदियों में होने वाले प्रदूषण से जैव विविधता को काफ़ी नुकसान है, पूरी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित और बाधित कर सकता है। दोस्तों, हम बात करें तो कभी भी कोई सरकार या कोई संस्थान अकेला इस कदम में, यानी इतने बड़े पैमाने पर इसे ठीक नहीं कर सकता, या यूं कहें कि इसका समाधान अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। हमें कभी कभी भूलना चाहिए कि हम नदियों पर कितना अधिक निर्भर हैं। हमारे देश में नदियां हैं जो हमें पेयजल, सिंचाई, बिजली और परिवहन प्रदान करती है। देश में बड़े पैमाने पर लोग इस पर आजीविका के स्रोत बनाए हुए हैं, यानी हम पूरी तरह से नदियों पर निर्भर हैं। हमारे देश का बहुत प्रतिशत हिस्सा जल पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर खेती होती है। केवल हम दूषित पानी ही नहीं पीते, बल्कि वो पानी जो नदियों से खेतों में जाता है, खेतों की भूमि और खेतों के स्वास्थ्य भी जो है प्रदूषित हो रहे हैं, जिसमें पैदा होने वाला अनाज भी दूषित होगा। इसलिए हम अपनी नदियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप और हमें मिलकर के इसे नष्ट होने से बचाना है। हालांकि सरकारों ने बहुत ज़्यादा धन इसको साफ करने में खर्च किया है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जैसी नदियों में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी प्रदूषण में कमी आई है। नदी प्रदूषण को कम करने के लिए खड़े होकर के एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, एक सुझाव देने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बजाय लोगों को अपने प्रति समाज को जागरूक करने के लिए स्वयं ये पहल करनी होगी। हम छोटी छोटी घटनाओं और प्रेरणा कार्यक्रमों के रूप में उदाहरण देने के लिए इन कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।